उत्तर प्रदेश मतलब UFT, यूपी की खबरों का बादशाह। हर खबर सबसे पहले सबसे तेज, सिर्फ UFT न्यूज 24 पर। नमस्कार, UFT न्यूज 24 में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खास खबर पर। समाजवादी पार्टी युवजन सभा ने बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती तथा कन्नौज सपा सांसद डिंपल यादव के जन्मदिन पर केक काटकर उनकी लंबी आयु की कामना की। समाजवादी पार्टी युवजन सभा ने बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी तथा कन्नौज सपा सांसद डिंपल यादव जी के जन्मदिन पर अंबेडकर चौक पर केक काटकर उनकी लंबी उम्र की कामना की गई। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती तथा समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की धर्मपत्नी कन्नौज की सांसद श्रीमती डिंपल यादव का अंबेडकर चौक पर पूर्व जिला अध्यक्ष रजनीश यादव तथा समाजवादी पार्टी के चारों यूथ संगठनों के जिलाध्यक्षों के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़ी ही धूमधाम से अंबेडकर चौक पर केक काटकर जन्मदिन मनाया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से डॉक्टर मोहसिन मोहम्मद कैश, शब्बीर कुरैशी, पूर्व महानगर अध्यक्ष हाजी शकील अंसारी, चर्चिल अधिकारी आजम लारी, गवेश दुबे सहित बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। UFT न्यूज 24 लाइव चैनल पर पूर्व सपा जिला अध्यक्ष रजनीश यादव ने अपने विचार व्यक्त किए। संयोग है बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मायावती जी और समाजवादी पार्टी की लोकप्रिय सांसद आदरणीय डिंपल यादव जी का जन्मदिन है। सपा बसपा के साथी संयुक्त रूप से इसको मना रहे हैं। आज यहां पर समाजवादी युवा संगठनों के लोगों ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा के समक्ष सार्वजनिक रूप से दोनों नेताओं का जन्मदिन मनाने का काम किया, ये संदेश देने का काम किया कि सपा बसपा के लोग संगठित रूप से काम करके नौजवानों, किसानों, मुसलमानों की आवाज को बुलंद करके इस देश के मुस्तकबिल के लिए, इस देश की बेहतरी और भलाई के लिए भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। क्या नाम आपका? रजनीश यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी। गोरखपुर से शाहिद खान की रिपोर्ट। इस खबर में इतना ही। UFT न्यूज 24 के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश मतलब UFT, यूपी की खबरों का बादशाह। हर खबर सबसे पहले सबसे तेज, सिर्फ UFT न्यूज 24 पर।